महापुरुषों ने वचन सुनाए। कहने लगे, हमारे पास एक सत्संगी आता था, कुछ दिन रहा, उसके बाद आना उसने बंद कर दिया। काफी साल नहीं आया। एक दिन अचानक आके पूछता है, सीधा सवाल करता है कि मुझे क्यों नहीं पीटा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। महापुरुष कमाई वाले थे। ये घटना महापुरुषों ने किसी को सुनाई, उसने सारे संसार को सुनाई है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कि मुझे क्यों नहीं पीटा। महापुरुष मुस्कुरा के कहने लगे, सारी बात पता, सबको पता चले, सारी संगत को। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। उसने क्या बताया, कहता है, कुछ दिन पहले मेरी सांस, मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं छत पर चला गया सांस लेने के लिए, पर छत पे जाकर हैरान हो गया मैं देखकर कि मैं खुद को देख रहा हूँ। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। खुद को देख रहा हूँ, कहने का भाव उसकी मौत हो गई है, उसकी आत्मा खड़ी है सामने, अंगूठे की तरफ, पैर की तरफ, और अपने शरीर को देख रहा है। कहता, मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। मेरे घर वाले आए, घेर के बैठ गए, रोने लग गए। डॉक्टर आया, कहने लगा ये चला गया है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। उसी वक्त दो आकृतियां आई जिसे हम जमदूत कहते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कहते, वो आकृतियां धुंधली सी, मुझे जो मुझे याद है मैं बता रहा हूं, वो मुझे ले गई। कहने लगे, तेरा समय हो गया चल। कहने लगे, मैं कुछ कह ही नहीं पाया, साथ में चल पड़ा। रास्ते में कहते, मैंने जो जो देखा वो मैं बता रहा हूं। रास्ते में मैं अकेला नहीं था, हजारों लोग जा रहे थे। कईयों को संगलों से घसीट कर लेके जाया जाता था, कईयों को पीट पीट कर लेके जाया जा रहा था, कईयों को बालों से खींच कर लेके जाया जा रहा था। और मैं डरा हुआ था, किस वजह से, कहने लगा, अपनी मन की बात बता रहा है। कहता, मैं डरा हुआ था कि मैंने तो नित्यनेम भी छोड़ दिया हुआ है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मैं नित्यनेम भी नहीं करता, मुझे पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे। नाम मैंने जपना कब से छोड़ दिया, खाली गुरसिक्का वेश धारण किया हुआ है, नाम जपना छोड़ चुका हूँ, मेरी क्या हालत होगी। पर कहने लगा, मैं हैरान था कि जमदूत मुझे कुछ नहीं कह रहे थे, केवल लेकर चल रहे थे। कहते, काफी रास्ता चलने के बाद अचानक कोई संत महापुरुष प्रकट हुए वहां पे, और कहने लगे, अभी इसका समय नहीं आया है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कोई आया जिसने कहा कि इसका समय नहीं आया है, तो मुझे वापस ले आए। मेरी घर के छत पर ही खड़ा हूं मैं। कहने लगे, वापस चला जा, तेरा समय नहीं आया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। मैं जीवित हो उठा। कई कहने लगे कि ये मरा ही नहीं था। डॉक्टर कहने लगा, हो सकता है मरा ही ना हो। कई कहते हैं ऐसे, पर कहने लगा, मुझे सारी घटना याद है, और मेरे मन में ये सवाल है, मुझे पता है कि मैं मर चुका था, मैं गया था। डॉक्टर भी कह रहे कि मर चुका था, वापस जिंदा हुआ है। लोग कह रहे हैं शायद मरा ही ना हो, कई गलत फहमियां हैं, पर मुझे पता है मेरे साथ क्या घटा। मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि जमदूतों ने मुझे क्यों नहीं पीटा, मैं तो नित्यनेम भी नहीं करता था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। तो महापुरुष कहने लगे, एक बात बता, तू काफी समय पहले सेवा में आया था। कहने लगा, हाँ। कितने दिन रहा था। उसने कहा, कुछ दिन रहा था। क्या किया था। नाम जपने वालों की संगत की थी। कह रहे, नाम जपने वालों की संगत की, थोड़ा नाम भी जपा होगा। कहने लगा, थोड़ा जपा था। थोड़ी सेवा भी की उनकी। हाँ, की सेवा भी की, नाम भी जपा, नाम जपने वालों की संगत में भी रहा। तो कैसे हो सकता है कि जमदूत तुझे हाथ लगा दे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम की कीमत को पहचानो। कुछ दिन केवल नाम जपा, संगत की छोड़ दिया, तब भी जमदूत हाथ नहीं लगा सके। कहने, लगा ही नहीं सकते, उन्हें इजाजत नहीं है, जिसने एक बार भी जपा हो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, मैं तुझे उसके आगे का ही बताता हूँ। अगर तू आगे धर्मराज तक पहुंच जाता तो तेरे साथ क्या होता। तुझे सजा नहीं मिलती, तुझे फिर से एक जन्म मिल जाता। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ये बात में बहुत गहराई है सात संगत जी। कई लोग कहते हैं ना कि नाम जपने वाला पैदा हो जाए, 21 कुल्ले तल जाती है, तर जाती है। वाणी भी कहती है, जिसने एक बार वाहिगुरु कह दिया, बाबा नंद सिंह जी का वचन है, विश्वास नहीं आता ना हमें। नामदेव जी ने क्या था, क्या कहा था, एक बार राम कह दे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, नाम जब संगत ने बैठ के जिसने एक बार भी वाहिगुरु कह दिया, वो नरकों में नहीं जा सकता। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जमदूत उसे नहीं हाथ लगा सकते, पर वो तरेगा नहीं। तरना किसे कहते हैं, बड़ी ध्यान से समझना।
हमें तरना लगता है कि जन्म मरण खत्म हो गया। तरने का मतलब होता है एक मौका और मिल जाता है, जन्म ले ले सीधा, 84 लाख नहीं भुगतनी पड़ती फिर इंसान का जन्म के अब नाम जप ले। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक, एक मौका और मिलता है केवल, अगर उस जन्म में भी नाम नहीं जपा तो फिर 84 लाख जोनिया, और अगर जप लिया फिर से एक मौका जन्म के नाम जप ले। क्योंकि जब तक नाम नहीं जपेंगे छुटकारा नहीं है, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक ए तत् बिचारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, एक कुछ समय जपा हुआ नाम उसकी सहायता की वहां पर जहां पर कोई नहीं आ सकता था। माता पिता बच्चे रिश्तेदार सब यहां रोते हैं, जो आत्मा के साथ होता है कोई सहायता नहीं कर सकता सिवाय नाम के। जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय। जय महापयान दूत जम दल ते केवल, नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को कई कहते जमदूत नहीं होते। क्या कह रही है बाणी? जय मां बयान दूत जम दल, बाणी कह रही है, बाणी तीन काल सत्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जहां तेरी कोई काम नहीं आएगा, चाहे संसार हो चाहे संसार के बाहर, लोक हो चाहे परलोक हो, अगर लोक परलोक नहीं है तो क्यों कहते हैं ये लोक सुखे परलोक सुहेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो बाणी ने कह दिया बात खत्म हो गई। सतनाम कौर वाली घटना सब याद कर लिया करो ना, क्या काम आया उसे, मजबूरी में जपा हुआ 15 मिनट का नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ज्ञान देती है ऐसी घटनाएं कि जह मात पिता सुत पाई ना पहुंचे, तहां तहां तू रखा।